खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई विधानसभा के प्रभात पट्टन जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पावल से पावल के पूर्व सरपंच रामेश्वर मरकाम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,35,000 रुपए के भ्रष्टाचार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व सरपंच रामेश्वर मरकाम ने हितग्राही बनकर पीएम योजना का लाभ ले लिया, मनरेगा के 15,000 रुपए भी प्राप्त कर लिए। शिकायत पर प्रभारी सीईओ मनीष कुमार शिंदे द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया तो पीएम आवास बना ही नहीं था। अब सोचने वाली बात यह है कि तत्कालीन सचिव रोजगार सहायक ने आवास का जियो टैग कैसे कर दिया, और तो और अभी वर्तमान रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी की राशि कुछ दिनों पहले मामले की जानकारी होने के बावजूद भी 15,000 रुपए पूर्व सरपंच के खाते में डाल दी गई। जांच के बाद सीईओ ने प्रतिवेदन तैयार किया है। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, जिनके आदेश पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास की आज लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी मुझे पावल ग्राम पंचायत की, रामेश्वर मरकाम जी का आवास नहीं बने होने के बारे में। तो मेरे द्वारा और दो अभियंत्रियों के साथ संयुक्त रूप से मैंने भ्रमण कर निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि आवास नहीं बनाते हुए चारों किस्ते एवं मनरेगा की राशि आहरण हुई है, जिसके लिए मैंने अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधितों के विरुद्ध माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की ओर प्रस्तावित किया।